भारतीय संस्कृति का जो डंका है वो पूरी दुनिया में यूं ही नहीं बजा है, उसके पीछे काफी वजह रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी वजह रही हैं। वजह हो भी क्यों ना, एक जमाना था जब हम गांव में रिश्तों की जो मजबूत बुनियाद थी उनको देखते थे। गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी, सभी लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। मगर आजकल हम जो हमारी संस्कृति है उसके पीछे इस तरह से भाग रहे हैं, जो बाहर की संस्कृति है उसके पीछे, कि रिश्तों के मायने खत्म हो गए हैं। ऐसे ना जानो कितने एग्जाम्पल, कितने उदाहरण हैं जो हमें आए दिन देखने को मिलते हैं। और आज एक ऐसा उदाहरण है, एक व्यक्ति ने एक राह चलती महिला को अपनी बहन बनाया, कई साल तक उसके हाथों से राखी बंधवाई। और जब वही व्यक्ति, उसकी जो मानसिकता थी वो इतनी विकृत थी, इतनी खराब थी, कि जिसका ये कहानी सुनाते हुए भी वाकई में ही शर्मिंदगी महसूस होती है कि दुनिया में कैसे कैसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। उस महिला को जिसको उसने बहन बोला था, बहन बनाया था, उसकी उसने इज्जत को तार तार कर दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के चूरू, राजधानी जयपुर है, जयपुर से कुछ किलोमीटर दूर है चूरू जिला लगता है, वहाँ की एक कहानी है। और इसी जिले में जो महिला थाना है, 10 अक्टूबर की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास एक शादीशुदा महिला थाने में पहुँचती है और थाने में जाकर बोलती है कि साहब, एक व्यक्ति है जो मेरा मुंह भोला भाई है और अपने दोस्तों के साथ कई बार बलात्कार कर चुका है, मैं करूँ तो क्या करूँ, बस मेरे सामने एक ही ऑप्शन है कि खुदकुशी करके मैं अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ख़त्म कर लूं या फिर मुझे न्याय दे दीजिए। ये बात सुनकर शुरू में पुलिस को लगा कि पता नहीं ये महिला ऐसी बातें क्यों कर रही है, मगर उस महिला के पीछे का जो दर्द था, जब पुलिस ने उसको जानने की कोशिश की तो वाकई में ही ये हैरान करने वाली बात थी कि एक महिला न जाने कब से ये दर्द महसूस कर रही थी और उसकी दर्द को ना कोई महसूस कर रहा था ना कोई समझ पा रहा था। कहानी दरअसल 2013 से स्टार्ट होती है। ये महिला अपने मायके से अपने ससुराल जा रही थी, बस में बैठी हुई थी और दो वाली सीट पर, यानी कि जिस सीट पर दो व्यक्ति बैठ सकते हैं उस सीट पर बैठी हुई थी। इसी सीट पर एक व्यक्ति जिसका नाम महेंद्र है, वो महेंद्र भी इसके पास में आकर बैठ जाता है। इस महिला को वो अकेली देखता है और अकेली देखने के बाद उससे बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। बातचीत करते करते उसने कब उसको अपने रिश्ते की बहन बना लिया पता ही नहीं चला। वो दोनों एक दूसरे से इतने खुश थे, इतनी सारी बातें की उन्होंने अपने घर की, परिवार की, बच्चों की, बुजुर्गों की, और अपने ना जाने क्या क्या बातें उन्होंने आपस में शेयर की। और ये रिश्ता एक मजबूत बंधन वाला भाई बहन का रिश्ता बन गया था। जाते जाते जब ये महिला अपने बस से उतरती है तो जाते जाते अपने भाई का एक मोबाइल नंबर भी ले लेती है। और मोबाइल नंबर लेने के बाद फिर ये कभी कभार एक दूसरे से बात भी कर लिया करते थे। अब त्यौहार आता है रक्षाबंधन का, ये 2013 की बात है। और वो लड़का घर उसके मायके पहुंचता है और मायके में आने के बाद उससे राखी भी बंधवाता है। और ये साल पहला था, अब सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। सन 2014 आता है, 15 आता है, 16 आता है, एक दो साल ऐसे होते हैं जहाँ पर गैप हो जाता है, मगर इन दोनों भाई और बहनों की हमेशा बातचीत होती रहती थी। और ये रिश्ता इतना मजबूत होता चला गया कि इस रिश्ते पर कोई भी उंगली उठाने वाला था ही नहीं, बात चाहे ससुराल की हो चाहे बात मायके की हो। दोनों ही पक्ष इस लड़के पर इतना विश्वास करते थे कि महेंद्र पर, कि शायद सगे भाइयों पर भी इतना विश्वास नहीं था। और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, मगर इस महेंद्र की जो जो इसकी विकार मानसिकता थी, विकृत मानसिकता थी, वो अंदर कहीं ना कहीं इसके राक्षस छुपा हुआ था। शायद इस राक्षस को ना तो ससुराल वालों ने पहचाना, ना ही मायके वालों ने पहचाना और ना ही उसकी बहन ने पहचाना। और एक दिन अपने दो दोस्तों के साथ ससुराल में पहुंच जाता है। ससुराल में आने के बाद उस महिला से बोलता है कि मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलाना चाहता हूँ, मेरे परिवार के साथ में चलना पड़ेगा। और ये महिला तैयार भी हो जाती है। ये कहता कि मैं तुम्हें
बंद वाला लेके चलता हूँ, और बंद वाला ले जाने की वजह से ही अपने साथ लेके जाता है। मगर इत्तफाक की बात यह थी कि उस दिन उसके ससुराल में कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेली थी, और अकेली होने की वजह से वो इतना विश्वास करती थी कि ना तो उसने अपने मायके वालों से ये बात बताई और ना ही अपने ससुराल वालों को ये बात बताई कि वो आज महेंद्र के साथ जा रही है। महेंद्र उस दिन अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक दोस्त राम अवतार भी साथ था, और ये इसकी जीप में बैठकर सीधे पहुंच जाते हैं। ये जाना था धुंधवाला, मगर पहुंच जाते हैं ये काला डेरा, और काला डेरा में इस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अभी तक ये समझ नहीं पा रही थी उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद करीब दो दोस्त मिलकर उसके साथ बलात्कार करना स्टार्ट कर देते हैं। वो चिल्लाती है, भाई भाई ये क्या कर रहे हो, भाई मैंने तुम्हारे हाथ में राखी बांधी थी, भाई तुमने मुझसे वादा लिया था जिंदगी भर मेरी रक्षा करने का, भाई ऐसा मत करो। वो चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, मगर महेंद्र पर और राम अवतार के कानों पर उसकी आवाज की जों तक नहीं रेंगती है, वो उसके साथ मुंह काला करते रहते हैं। और एक दिन नहीं, ये सिलसिला काफी दिनों तक, लगभग 20 दिन तक चलता रहता है। 20 दिन तक इस महिला के साथ वो मुंह काला करते रहते हैं, और उधर ये अचानक से जब गायब हो जाती है ससुराल से, तो ससुराल वाले भी परेशान होने लग जाते हैं। वो मायके में फोन करते हैं और मायके वाले भी परेशान होते हैं। वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, वहां पर जाकर इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस भी इसे ढूंढने की कोशिश करती है, मगर महिला शादीशुदा थी, इसलिए पुलिस को प्रथम दृष्टि से शक होता है कि महिला अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है, चली गई है। मगर पुलिस ने इसकी गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं की। काश कि पुलिस की गहराई में जाती इस केस की गहराई में, तो शायद इस महिला के साथ में जो अपराध हो रहा था वो रुक जाता, और अपराधी जो भी थे वो आसानी से पकड़े भी जाते हैं। क्योंकि महिला जो है वो, उसके पास उसका मोबाइल नंबर था, मोबाइल नंबर के आधार पर CDR निकलवाई जा सकती थी, तमाम तरीके की बातें थी जो जांच में क्लियर हो जाती। मगर पुलिस ने इस मामले को उतना गंभीरता से नहीं लिया जितना कि लेना चाहिए था। ये बात है मार्च 2021 की, और उसके साथ एक महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। और जब एक महीना पूरा हो जाता है, एक महीना मैं सॉरी गलत बोल गया हूँ, यानी कि 20 दिन वो महिला उनके साथ रहती है, और उसके साथ लगातार बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं, एक कमरे में उसको रखते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, उसका खाना पीना बहुत सारी चीज़ें। उस महिला ने चीखने की चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसको दूसरे या तीसरे दिन ही कुछ ऐसा कर दिया था जिसके बाद उसकी आवाज़ें निकल ही नहीं सकती थी। यानी कि उस महिला के साथ जो भी अश्लील हरकत की गई थी, जैसा भी उन्होंने गलत काम किया था, उसका उन्होंने एक वीडियो उतार लिया था, उसके इन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स खींच लिए थे, और ये कहते हुए कि तुमने अगर ये बात किसी से शेयर की तो ये बात पूरे जमाने में इंटरनेट के माध्यम से फैल जाएगी। अब वो महिला 20 दिन तक उनके साथ रहती है, उसके बाद अपने मायके में चली जाती है। उधर पुलिस के पास से एक मुकदमा दर्ज करवाया था, पुलिस भी क्या बयान देती है पता नहीं चलता है, मगर ये अपराधी, इनके मंसूबे और बढ़ जाते हैं, क्योंकि पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इन्हें लगता है कि शायद अब हमारे साथ कोई कुछ नहीं कहेगा और हम ऐसे ही अपराध पर अपराध करते चले जाएंगे। फिर जून का महीना आता है, यानी कि 25 जून को एक बार फिर से धोखे से इस महिला को बुलाया जाता है, ये कहते हुए कि जो तुम्हारी वीडियो, तुम्हारी जो फोटोग्राफ्स हमने मोबाइल में उतारे थे, आज हम तुम्हारे सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे, इसे अपने मोबाइल में जो रखे हैं ये सारे डिलीट कर देंगे, और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। धोखे से घर के पास में ही एक गली में बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर इस महिला का अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद फिर उसी जगह पर रखा जाता है जिसका नाम था काला डेरा। वहाँ पर रखने के बाद इस महिला को फिर से 15 दिन तक रखा जाता है, और 15 दिन फिर वही उसके साथ बलात्कार किया जाता है। वो महिला बार बार यही कह रही थी, यही गुहार लगा रही थी कि वही दुहाई दे रही थी, काश 2013 में हम उस बस में ना ही मिले होते, उस बस में ना मिले होते तो शायद ये दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है बार बार, मगर उसकी जो दर्द था, उसका जो परेशानी थी, उसकी जो पीड़ा थी, वो महेंद्र के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी।
उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ जाती है, महिला अपने घर पे आती है, और घर पे आने के बाद ये जून का महीना भी पूरा निकल जाता है, जुलाई भी निकल जाता है, मगर इस महिला से वो फोन पर लगातार बातें कर रहे थे। और जैसे ही इस सितंबर का महीना खत्म होता है, तो एक बार फिर यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इस महिला को फिर से जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की जाती है, मगर जो काम इस महिला को पहले करना चाहिए था वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करती है। और उसने अपने आप से एक वादा भी किया कि इस बार मुझे उनके साथ नहीं जाना, बल्कि जाना है तो थाने जाना है। और वो चोरू थाने में पहुंच जाती है, वहाँ जो SHO होते हैं ओम प्रकाश को पूरा वाक्य सुनाती है और बोलते हैं कि साहब मुझे इंसाफ चाहिए, और जो भी आरोपी हैं उन आरोपियों को सेकंड मीटिंग में, आरोपी तीन हो जाते हैं, पहली मीटिंग में दो आरोपी थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पुलिस देर आई मगर दुरुस्त आई, अब शायद इस महिला को एक न्याय की उम्मीद है और न्याय इसे मिल भी जाएगा, और जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और ये राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि ये लोग हमेशा हमेशा के लिए एक नज़ीर बन जाएं और भविष्य में किसी भी बहन, किसी बेटी, किसी बहू के साथ इस तरीके की वारदात या आपराधिक घटनाएं ना घटें। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।